प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने के प्यार ने मुझे बहुत एनकरेज मिलते हैं। तो मैं आज चांदोबी लेक दिखाने जा रही हूँ। चांदोबी लेक जो है वो कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ही है। कामरूप डिस्ट्रिक्ट असम के जो दिसपुर है, ये कैपिटल है दिसपुर, वो जो जिस डिस्ट्रिक्ट में है, गुवाहाटी जिस डिस्ट्रिक्ट में है, वही डिस्ट्रिक्ट में ही है ये चांदोबी लेक। तो मैं आज आपको ये दिखा रही हूँ। देखिए, असम में बार बार कहते आ रही हूँ आप लोगों को कि असम एक बहुत सुंदर स्टेट है और इसके लोग भी अच्छे हैं और इसका जो नज़ारा है, देखिए, प्रकृति ने इसको बहुत अमीर करके सृष्टि किया है। और असमीज़ लोग, इसलिए असमीज़ लोग भी बहुत सीधे साधे होते हैं, क्योंकि जिसका जो ये पॉवर्टी किस क्या है वो पता जिसको नहीं होता है, वो थोड़ा मासूम सा होता है। तो असमीज लोग भी ऐसे ही मासूम होते हैं। तो आप देखिए, मैं आज दिखा रही हूँ चांदोबी लेक, कितना सुंदर जगह है। देखिए असम के, देखिए, मैं गई थी, मेरा जो ये बहन है, इसका बहन के हस्बैंड, बहनोई बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, बहनोई, और इसका बहन के फ्रेंड, और वो बहन का हस्बैंड का फ्रेंड, ऐसे वो बहन का हस्बैंड जो है वो ये है। देखने को बहुत सिंपल है, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा दिल है। मैं उसका उस ये है वो मैं उसको भाई मानती हूँ, बहनोई कम और भाई ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि हम लोग तुम करके बुलाते हैं, ऐसा अपनापन है हम लोगों में। तो हम लोग ये थे, वो आने से बोलते हैं चलो उधर जाते हैं, चलो उधर जाते हैं, डिब्रूगढ़ जाने से डिब्रूगढ़ का आसपास का घूमते हैं। तो अभी गुवाहाटी आया तो गुवाहाटी का आसपास शिलोंग जाते हैं, ऐसे आप लोगों को वीडियो दिखा रही हूँ। तो इस बार उन लोगों ने बोला कि चलो ये चांदोबी जाए, कहाँ जाओगे दीदी, मैंने बोला चांदोबी चलो, तो चलो चांदोबी चलो। तो बेटा के साथ बात किया, बेटा ने बोला कि उसका फ्रेंड का ये है रिजॉर्ट है उधर में, उस पार चांदोबी के उस पार, उधर में खाना उना खा लेना। तो हम लोग आगे गर्मी आसपास ये झरना भी है, एक सुंदर सा नदी भी है, बहुत अच्छा लगा उस दिन। तो लैपटॉप में यही फ़ोटो मिला, लेकिन फ़ोटो बहुत सारा था, नदी का ये व्यूज़ भी बहुत सुंदर था, एकदम सैंड वाला, ये सैंड सैंड था हम नदी के बीच, जो बीच हम लोग बहुत मज़ा किया, छोटा सा नदी था। तो ऐसा देखिए झरना का पानी, देखिए कितना सुंदर। तो अब आज आपको यही दिखा रही हूँ, देखिए चांदोबी लेक। पिकनिक के जो दिसंबर जनवरी फरवरी के महीने में बहुत सारे लोग उधर में पिकनिक खाने को जाता है। हम भी गए थे, इधर में दिया है थोड़ा, एक दो कॉपी में दिखाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये है, एक दिन एक बार गया था पिकनिक, तो पिकनिक का फोटो है ये, चांदोबी लेक है। बहुत सुंदर नज़ारा है, बहुत अच्छा लगता है जाने में, बहुत अच्छा लगता है। आपको शेयर करा रही हूँ, और शेयर कराते कराते मैं मेरा जबान का कहानी भी बता रही हूँ। तो बोलूँगी आज आपको, तीन बच्चों के माँ होकर भी मैं क्यों हॉस्टल में रहती थी, वो बात बताऊंगी आज आपको। बहुत इनक्रेज मिलता है आप लोगों से, तो मैं बता रही हूँ। मेरे तीन बच्चे हैं और तीनों के एक भी डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े ऑफिसर नहीं बने, पर फिर भी मुझे कोई अफसोस नहीं, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े ऑफिसर से ज़्यादा देश को अच्छे भले लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने उन लोगों को मानवता के पाठ ज़्यादा पढ़ाया, तो इसलिए वे मर जाएंगे, पर किसी को ठगना, किसी से गद्दारी करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये सब काम कभी नहीं करेंगे मेरे बच्चे। मैं रत्न गर्भा तो नहीं बन पाई, पर मानवतावादी तीन बच्चों के माँ हूँ, इसी बात का मुझे सुकून है। तो मैं देखिए, एक ही माँ बाप के बच्चे और एक ही आहार खाते हैं, एक ही सिचुएशन में पले बड़े होते हैं, फिर भी जो मेरे तीनों बच्चे का बचपन से ही नेचर बिल्कुल अलग अलग दिखा है मैंने, तो और इस बात को मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है।
तो जब जब मैं किसी आजकल बच्चे की आजकल जब जब मैं किसी बच्चे की एडवर्टाइजमेंट देखती हूँ तो मुझे मेरी बच्चे की, अभी तो बड़े हो गए सबको ये सब लोग, तो बच्चे की बचपन का बातें याद आती है। मेरे बच्चे भी बिल्कुल ऐसे ही था, ऐसे ही महसूस होता है, ऐसे छोटा हो गया, ऐसे जो कपड़ा बोलते हैं छोटा हो गया वो भी बोलते थे, ऐसा प्यारा लगता है। तो फुर्सत मिलने से मेरे तीनों बच्चों के नेचर को शुरू से अलग अलग करके बताऊंगी कभी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और जो बातें उन लोगों को खुद को भी मालूम नहीं है मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो क्योंकि आज मैं बताना चाहती थी कि ये तीन बच्चे के, बड़े बड़े तीन बच्चे के माँ होकर भी मैं क्यों, मैंने छोटी मेरे जो बड़े लड़की की शादी के बाद मैं क्यों ये हॉस्टल में रहना पड़ा था मुझे और नौकरी करने पड़ा था, तो वो बात बोलूँगी आज। नौकरी के बारे में तो बोल दिया था, इसके पहले इसके आगे वाला ये मैं शॉर्ट करके बताती हूँ, लॉन्ग करके बताऊँगी मैं, तो लंबी अच्छा डिटेल्स में बताऊँगी कभी। तो मेरे मेरे जो बेटी थी बहुत नाजुक थी, उसके बारे में डिटेल्स बताऊँगी कभी। बहुत सी प्यारी, बहुत प्यारी, बहुत सुंदर ऐसी थी, तो बहुत नाजुक थी और सबका बहुत प्यारा प्यारी थी, सबका बहुत प्यारी थी, और पढ़ाई में भी अच्छी थी। तो उस वो और ये भी थी, बहुत गंभीर भी थी, वो चंचल नहीं थी, तो इसलिए। और वो जो जब कॉलेज, पहले तो हायर सेकेंडरी तक तो घर के सामने ही पढ़ती थी, पर जब कॉलेज चला गया हैंडी कॉलेज में और TDC पढ़ने गया, तो इंग्लिश में ऑनर्स भी था, पढ़ाई भी ज़्यादा करने पड़ते थे, और उसको ना ये देखने भी सुंदर थे, तो वो पास नहीं जाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, और उसके टपल के लिए भी मुमकिन नहीं था कि हर रोज हर वक्त उसे गाड़ी से लाना जाना पड़े, क्योंकि गुवाहाटी में ट्रैफिक जाम भी बहुत होते हैं और उसका वो तो बिजनेस करते हैं तो कैसे चलेगा, तो इसलिए उसको हॉस्टल में दे दिया गया। तो जब हॉस्टल में दिया तो पढ़ाई में अच्छा ही किया, वो फाइनल के वक्त आ गया, 2011 के लास्ट दिसंबर महीने जब आया, तो लास्ट आया जब आया तब उसका BA फाइनल का टाइम आ गया। तो क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मुझे पता था कि मेरी बेटी की विवाह के योग आरंभ हो रहा है, तो BA पास करते ही उसकी शादी होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा देखी थी मैं। तो इतनी नाजुक सी लड़की को अगर शादी दे देंगे तो वे दूसरे के घर में कैसे फूल मिल जाएंगे, तो मैंने बहुत टेंशन में पड़ गई। तो मैंने सोचा था कि TDC फाइनल एग्जाम दे के बाद उसको अपर असम भेज दूँगी। तिनसुकिया में मेरे घर है, माकुम में मेरी मामा के घर है, तो उधर भी 2-4 दिन रहेगी। डिब्रूगढ़ में भी मेरे मौसी लोग हैं, भाई लोग हैं, वो लोगों के साथ भी 2-4 दिन रहेगी, और दूसरों के घर में घुल मिल जाने का कुछ तो एक्सपीरियंस उसे होगा। तो मैंने जब 25 से एग्ज़ाम ख़त्म होते ही बेटी को अपर असम भेजने की बात कही तो वे इतना इंटरेस्ट नहीं दिया, इनकार कर दिया, छोड़ो कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे बोल दिया। तो 2011 के दिसंबर महीने में एक दिन मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी आप भी आ जाओ, हम लोग के फाइनल एग्ज़ाम भी अब ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद कौन कहाँ चले जाएंगे पता नहीं, तो आप भी एक रात हमारे हॉस्टल में गुजर कर देखिए हॉस्टल लाइफ में कितना मज़ा है। वो लोग हॉस्टल का मतलब वो लोग चार लड़की, 4-5 लड़की ऐसे एक किराए मकान पे रहते थे, बहुत सुंदर सा जगह था, वो क्या बोलता है क्या नाम था उस जगह का, बहुत अच्छा लगता है। तो उधर में तो उस तो मैं चली गई, फिर नवग्रह बोलता है वो जगह, तो फिर पिकनिक चली गई, फिर पिकनिक का सीज़न चल रहा था, तो हॉस्टल में ही पुलाव चिकन वगैरह कुछ कुछ बना के तो उसके सहेलियों के साथ मैं उन लोगों को भी लेके एक बोट से चल दिए ब्रह्मपुत्र के बीचों बीच के एक आइलैंड में, क्योंकि मैं बोट मैन लोगों को तो जानती ही थी तो उन लोगों को भी थोड़ा मज़ा दूंगी, तो इसलिए लेके चली गई आइलैंड पे।
बेटी के एक सहेली के बॉयफ्रेंड भी उसके साथ, जो उन लोगों के साथ गए थे, और वो बॉयफ्रेंड का भी एक फ्रेंड वो हम लोगों के साथ गए थे। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी इस लड़का को देखिए तो ऐसा है कि मेरे सहेलियों का कहना कि उसके और मेरी जोड़ी बहुत सस्ती है, क्योंकि लंबा सा था लड़का। तो मैंने नोटिस किया कि लड़का अमिताभ जैसा ही लंबा है और उसका आँख भी बहुत प्यारा है, एकदम शिव जी का जैसा आँख है उसका। गंभीरता दिखाई पड़ा था मुझे उसके आँखों पर कि वो बहुत दिलदार होगा, ऐसा लगा था मुझे। तो मुझे याद आया कि बचपन में मुझे अमिताभ बच्चन से बहुत वीकनेस था, तो मैं जब जब बड़ी होने लगी थी तब तब कोई कोई मुझे जया भदौरी भी पुकारती थी, क्योंकि दुबली पतली सी थी और नाटी सी थी, शायद थोड़ा ऐसे थोड़ा सा मिलती जुलती भी थी शायद बहुतों ने के में सुना था। बाद में कभी कभी जब मोटी हो गई थी तब थोड़ा सा हेल्दी हो गई थी तब जया भदौरी नहीं, तब तो मुझे क्या मौसमी सी तर्जी पुकारने लगे थे ऐसे ऐसे बात। फिर बाद में ऐसा हुआ था मुझे क्या बोला था एक नेपाली एक्ट्रेस था नाम भूल गया उसको, वो भी बुलाने लगे थे कभी कभी मुझे ऐसा बुलाते हैं लोग। तो मेरा जो अमिताभ बच्चन से बहुत वीकनेस था, मैं जब जब बड़ी होने लगी तब कोई कोई मुझे जया भदौरी भी पुकारती थी, क्योंकि मैं नाती थी और ऐसा तो था। तो क्लास 7 से 10 तक मैंने अपनी किताब के पन्नों में अमिताभ बच्चन के फोटो रखा करती थी। तब के ज़माने में लड़कियां ऐसे ही करती थी, हमारे ज़माने में लड़कियां ऐसे हीरो का फोटो रखती थी। तो मैं भी मुझे क्योंकि अमिताभ बच्चन से बहुत लगाव था तो मुझे मैं ऐसे करती थी। पर क्लास 10 में जब जीवन में पहली बार प्रेम में उलझी थी तब किताब में अमिताभ बच्चन के फोटो रखना छोड़ दिया था। तो लड़का को देखकर मुझे बहुत प्यारा लगा, लंबा था इसीलिए प्यारा लगा और उसका आँख भी बहुत सुंदर था, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिलदार है ऐसा लगता था। उसी लड़के के बड़े भाई के शादी के दुल्हन मेरे मैंने बेटी ने ही ठीक कर दिया था, मेरे भाभी के जान पहचान वाली लड़की के साथ। तो लड़का ने के मम्मी ने तो शादी के शॉपिंग करने वगैरह करने के लिए भी मेरी बेटी को साथ लेकर चली थी। तो हॉस्टल में ही ऐसा फिटिंग हो गया था फोना फोनी करके, मुझे इतना नहीं था मालूम, बेटी ने कहा था और ये कैसे जान पहचान हुई और सब बेटी ने कहा था बाद में। और उस भद्रमहिला के साथ ही मेरे बेटी का को गुवाहाटी से डिब्रूगढ़ गई थी, क्योंकि वो शादी भी एंजॉय करेंगी और उसके बाद मेरे मौसी या भाई लोग आकर उसे ले जाएंगे। मैं फ़ोन में सबको बोल के रखी थी कि ऐसा वो जाएंगे, तो सबको बहुत प्यारी है वो, बहुत प्यारी सी है, अच्छी लड़की है, सबको को पता है, तो इसलिए सबको बोला भेज दो हम लोग का पसंद रहेगी, सब कोई बहुत ही करती है लगाव है उससे। तो एक्सीडेंटली जब जब गए गए शादी को गए तो उसका ये फ़ोन का नेटवर्क फ़ोन कनेक्शन नहीं मिला, तो कनेक्शन नहीं मिला उसके उस ज़माने में ये होता था, इतना नेटवर्क भी का प्रॉब्लम भी होता था कोई कोई जगह में। मैंने सोचा कि वो जो शादी में जिस घर में गया है उसका नेटवर्क उस घर में शायद नेटवर्क नहीं मिलता होगा, तो मैंने वही सोचा। तो मेरा इसका जो दीदी का लड़की है पिंकी, तो उसके साथ पढ़ती थी, 21 साल की है, 21 साल बड़ी हुई है मेरी बेटी जैसी है, उसने फ़ोन किया कि अरी जूना मामी, वो तज्जुब होके फ़ोन किया है, जूना मामी वो पंखी का शादी का फोटो दे रहा है ये मैं फेसबुक में क्या बात है। तो मैंने बोला नहीं ऐसा बात नहीं है, वो शादी को गया है तो मैं साथ में नहीं हूँ ना, तो इसलिए उसका वो बहुत ज़्यादा मेकअप कर लिया तो उसको दुल्हन जैसे दिख रही हो तुम, ऐसे बोला मैंने। तो मैंने वही सोचा, तो उसने बोला नहीं नहीं जूना मामी वो तो लिखा है मैरिड गॉट मैरिड, क्या फेसबुक में उसने लिखा है और दो दो बड़ा थे, दो दो ये है बड़ है और दो दो ये है, ऐसे हम लोग कोई ना बोलता है वो दो दो पेयर है ऐसे बोला।
तो मेरा हाथ पाँव कपने लगा, फोन रख के मैं अभी क्या करूँ, मैं तो मर जाऊंगी। मुझे पता है मेरा हस्बैंड ने मुझे मार डालेगा, और सिर्फ हस्बैंड ही नहीं, वो मेरा सास ससुर हम लोग एक साथ रहते थे। तो मैं जी कैसे क्या करूँ अभी, मुझे इतना डर लगा। तो मैंने वो उसके मेरे वो देवर जी जिसने मेरे मेरा ये किया था, नौकरी दिया था, मैं उसको फ़ोन किया कि कुकू सुब साहब एक काम करो, तो खबर ले, अच्छा से खबर करो, तो पंखी डिब्रूगढ़ गई है, कहाँ क्या कर रही है, खबर लो। तो मुझे पिंकी ने ऐसा बोला है। तो हैं क्या बात बोल रही हो तुम, ऐसा बोला भाभी। तो मैंने बोला हाँ, तू जल्दी जल्दी खबर कर, मेरा अभी मर जाऊंगी, मुझे तो काट डालेगा उसका पापा। तो उसने खबर किया तो बोला हाँ, उसका शादी हो गया, जिस शादी में वो गई थी उसी के घर का दो लड़का है, उसी का साथ दो दो शादी किया है उस घर में उस दिन। तो मैं जब उसको वो आके जब बोला मेरे हस्बैंड को, तो मेरा पति सास ससुर ने मुझे जीना हराम कर दिया। पति ने तो मेरा गला दबाने को आ गया, मेरा बेटी का को मार डाला तो नहीं, ऐसा बोला। तो उन दोनों लोगों का कहना था कि मेरे जैसे बच्चे हीरा जैसी बच्ची को की जीवन मैंने मिट्टी में मिला दिया, ऐसा बोला। तो मुझे बेटी को बिना जाने पहचाने उस औरत के साथ भेजना ही गलत है, ऐसा बोला। बहुत डांटा बहुत डांटा। पर मैं सोचती थी कि जो होने को कौन टालता है, कि कुछ नसीब में ऐसा है इसलिए तो हो गया, नहीं तो कैसे ऐसे अजब कहानी होगा। कुछ दिन बाद मुझे नौकरी, ऐसे इतना बुरा लगा, घर में जीना हराम हो गया। तो मैं उसी वो मैं देवरों को देवरानी को बोली थी कि मुझे नौकरी दे दो, मैं जीना नहीं, ऐसे हराम हो गया है मेरा, ऐसा हुआ पंखी के इस बात से। तो उसने नौकरी भी दिला, मिल गया उसी के। मैं दूसरे ये मैं बोल रही हूँ आपको वीडियो में। तो नौकरी जब मिल गया तो बेटी के कुछ दिन बाद बेटी के फ़ोन से मेरे बातें होने लगी। तो बेटी को बोला कि मेरा जीना हराम हो गया है तुझे शादी के बाद। तो उसने बोला मम्मी ज़रूरत पड़ने से मैं ही पैसा दे दूँगी, आप हॉस्टल में रहा कीजिए। तो मैं जब हॉस्टल के बाद बोला, तो मैं ससुर जी को बोला कि ससुर सासुर जी को बोला कि मैं हॉस्टल जाऊँ, मैं रहा करूँगी, मैं ऐसे और नहीं रह सकती। तो ससुर जी का इतना गुस्सा आ रहा था मेरे बेटी के वो कहानी के लिए, वो इंसिडेंट के लिए। तो बोला जाओ कोई बात नहीं, जाओ जहाँ भी रहना है जाओ, ऐसा बोला। तो मैं एकदम हॉस्टल ठीक करके हॉस्टल में चली आई। तो हॉस्टल का लाइफ भी बहुत अलग है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। ईश्वर ने मुझे, ईश्वर से प्यार करती हूँ इसलिए मुझे हॉस्टल लाइफ का भी टेस्ट दे दिया। मैं उसके फोटो भी है मेरे लैपटॉप में, आपको दिखाऊंगी। हॉस्टल की कहानी भी बहुत मज़ेदार है, आपको शेयर कराते कराते आसाम के दूसरे दूसरे जगह शेयर कराते कराते आपको हॉस्टल लाइफ भी दिखाऊंगी। आज के लिए इतना ही।